गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द नवीन कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। आज हम क्लास सेवन्थ का मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। उसको करने से पहले कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, चैप्टर का नाम पता ही है आपको, इंटीजर्स है, तो इंटीजर की प्रॉपर्टी होती हैं कुछ, तो वो अपन देखते हैं। पहले क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। पहला नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं, कोई दो नंबर है हमारे पास, अपन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो a प्लस बी, ए कोई नंबर है, नंबर हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 या -1, 2, 3, ऐसा b भी कोई नंबर है, बस a से डिफरेंस, दोनों नंबर अलग अलग होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर अपन पहले दो को पहला वाला नंबर लिखते हैं प्लस दूसरा वाला करते हैं, उसकी वैल्यू निकालें, फिर दूसरे वाले को प्लस करें पहले, फिर पहले वाले को बाद में लिखते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर ही रहेगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये वैल्यू इक्वल आएगी। तो किस वजह से आएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। इसी तरह से हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है, अगर तीन क्वांटिटी में से दो, कोई सी भी बाद की दो क्वांटिटी अपन ऐड करते हैं और फिर उसके बाद उस रिजल्ट में पहली क्वांटिटी ऐड करते हैं, तो उसकी वैल्यू उसके बराबर आती है, चाहे हम पहली दो को ऐड कर लें फिर उसके बाद तीसरी को ऐड कर दें, तो इस केस में भी इक्वल वैल्यू आएगी हमारे पास। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, एडिटिव आइडेंटिटी। एक कोई नंबर है उसमें जीरो ऐड करेंगे या जीरो किसी नंबर में ऐड करें अपन, तो हमारे पास सेम नंबर आएगा जो नंबर अपन ने ए लिया है। ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अपन एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जो आप देख लीजिए पहले क्या है, ये पेज नंबर 9 पे है एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर का मतलब होता है जोड़ा लिखना है हमको इंटीजर्स का, जिसका सम 7 आना चाहिए माइनस के। तो वो नंबर अपन को सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकते हैं, देखते हैं अपन। ऐसा नहीं कहा है कौन सा नंबर माइनस होना चाहिए कौन सा नंबर प्लस होना चाहिए, तो अपन कोई से भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर सम दोनों का कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो फर्स्ट का ए वाला क्वेश्चन है, मैं इक्वल लगा के लिख लूँ, -7 हमको रिजल्ट चाहिए, यहाँ पर प्लस होना है, कोई दो नंबर अपन को राइट डाउन करना है, तो चाहे प्लस के हो या माइनस के हो, रिजल्ट हमको क्या देना है उसको, -7। तो अपन दोनों ले लें निगेटिव, तो एक माइनस का 3 ले लें, एक माइनस का 4 ले लें, दोनों को सिंपलीफाई करेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ए हो गया ये, बी हो गया ये, -3 और -4, रिजल्ट दे रहा है हमको -7, सो देयरफोर द पेयर ऑफ इंटीजर्स आर, हमको पेयर के फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, -3, -4। ये हमारे दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम अगर करें अपन तो -7 आ जाएगा हमारे पास। बी वाला क्वेश्चन क्या है वो देखें अपन। बी वाले क्वेश्चन में डिफरेंस 10 आना चाहिए, तो आंसर में अपन लिखें -10। डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, माइनस, सम के लिए प्लस और डिफरेंस के लिए माइनस, दो नंबर होना चाहिए यहाँ पर और दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, -10। तो कैसे आएगा देखें अपन, कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस या माइनस माइनस या प्लस प्लस। तो डिफरेंस आने के लिए, डिफरेंस माने अंतर, कौन सा नंबर छोटा बड़ा होगा, -10 चाहिए हमको, तो अपन क्या करें, यहाँ पर लिखें 15 और यहाँ पर लिखें 5, तो 5 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -10। तो डिफरेंस आ गया -10 का, रिजल्ट हमको -10 मिल रहा है, तो लिखें सो देयरफोर द पेयर ऑफ इंटीजर्स आर 5, 15, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, -10। तो हमारे पास दो नंबर हो गए ये, ठीक है। आपके पास सी क्वेश्चन है इसका, कि दोनों नंबर ऐसे सोचना है आपको जिनका सम कितना है, 0। तो वो क्या होगा, सम हमारे पास 0 आना चाहिए। सम 0 कब आएगा, जब एक नंबर प्लस का होगा सेम, एक नंबर माइनस का होगा सेम,
तो अपन कुछ भी ले सकते हैं, प्लस का 2 ले लो, माइनस का 2 ले लो, तो प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 0। सो देयरफोर द पेयर ऑफ इंटीजर्स आर क्या हो गया, 2 माइनस 2, ये इसका पेयर हो गया कि इनका सम कितना आ रहा है, 0 आएगा। तो ये पहला सवाल अपना कंप्लीट होता है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखें अपन क्या है हमारे पास, राइट ए पेयर। अब हमको बताएगा निगेटिव लिखना है या पॉजिटिव लिखना है, कौन सा पहला नंबर पॉजिटिव लिखना है, दूसरा नंबर पॉजिटिव लिखना है, ये सब कंडीशन अपन को देगा वो। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, हमको दो निगेटिव नंबर लिखने हैं, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए प्लस के। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्या होता है सेकंड का ए वाला क्वेश्चन है, हमको आंसर चाहिए 8 प्लस का और डिफरेंस होना चाहिए, और डिफरेंस के साथ में दोनों नंबर माइनस के होना चाहिए। तो दोनों नंबर माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा, कब आएगा इतना डिफरेंस हमारे पास, देखो यहाँ मैं कोई नंबर लिखता हूँ तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 18 लिख दूँगा, अगर कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने 18 लिखा है यहाँ पे, तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे अपन, माइनस माइनस प्लस का 18 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस 18 और इधर लिखूँ मैं 10, तो दोनों नंबर मेरे पास माइनस के 18 और माइनस के 10 हो गए। अगर इनका डिफरेंस निकालूँ तो डिफरेंस कितने का आएगा, प्लस का 8 आ रहा है हमारे पास, क्योंकि ये माइनस का 10 आएगा रिजल्ट, और ये माइनस में प्लस का 18 आ जाएगा। तो इस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस का 8 मिल गया हमको। सो देयरफोर द पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर, तो दो नेगेटिव इंटीजर कौन कौन हो गए, एक -10, -18। तो आपको सेकंड का ये फर्स्ट समझ में आ गया, सेकंड वाला और करा रहा हूँ मैं आपको। बी वाले में क्या है क्वेश्चन देख लें अपन, पहले अपन को बी वाले बोला है राइट ए नेगेटिव, एक नेगेटिव लिखना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है और दोनों का सम आना चाहिए -5। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और दोनों का सम रिजल्ट में आना चाहिए -5। तो इजिकल टू लगा के -5 लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे, पहला नंबर नेगेटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव लगा लिया अपन ने, हमको रिजल्ट चाहिए -10। तो बड़ा नंबर किसका लिखेंगे अपन यहाँ पे, माइनस का, यहाँ पे 10 लिखें, यहाँ पे 5 लिख दें, सिंपलीफाई करें, 10 माइनस का 10 और प्लस का 5 क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 5, कंडीशन ठीक है। सो देयरफोर द पेयर ऑफ ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स आर, तो पहला कौन हो गया -10 और दूसरा हो गया 5, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, एडिशन -5। तो मैंने बी करा दिया, सी आपका क्वेश्चन ये है, देखिए आपको खुद करना है सी वाले क्वेश्चन को। राइट ए नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, एक मिनट, ठीक है, तो आपका बी जैसा ही है ये, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, बस इसमें अंतर कहाँ है, उसमें प्लस था, इसमें डिफरेंस है। तो आपको ये सेल्फ करना है, करके ट्राई करेंगे सी वाला, देखें बाकी। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से पहले उसको पढ़ते हैं अपन, क्या है हमारे पास, इन ए क्विज, एक क्विज कॉम्पिटिशन हो रहा है जिसमें टीम ए और टीम बी बनाया गया है। तो टीम ए का स्कोर दिया है अपन को -40, 10 एंड 0। टीम बी का स्कोर दिया गया है अपन को 10, 0, -40। इन थ्री सक्सेसिव राउंड, यानी लगातार 3 राउंडों का दिया है ये। बिस टीम स्कोर्ड मोर, हमको ये बताना है कौन सी टीम का स्कोर जाना है, टीम ए का या टीम बी का। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम इन इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो अपन आंसर निकालते हैं, देख अगले पेज पे आंसर देखते हैं इसका क्या है।
तो सॉल्यूशन नंबर थ्री, सबसे पहले अपन टीम ए का परफॉर्मेंस देख लें। टीम ए का स्कोर क्या है? पहला नंबर है माइनस का 40, प्लस का 10, प्लस का 0। तो क्या रिजल्ट आएगा? देखो, 0 कोई मतलब का नहीं है, ऐड में 0 हट जाएगा। माइनस का 40 और 10, माइनस 40 बड़ा है और 10 छोटा है, एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, 40 में से 10 जाएगा तो 30 बचेगा, बड़ा नंबर 40 है इसलिए 40 वाले का साइन आ जाएगा। तो टीम ए का स्क्वायर है माइनस 30। अब टीम बी का स्क्वायर चेक करें अपन। टीम बी का स्कोर क्या है हमारा? 10 प्लस 0 प्लस माइनस 40, तो 10 माइनस 40। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का है, तो यहाँ भी क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, 40 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 30, और बड़ा नंबर हमारा माइनस का है इसलिए आंसर में माइनस आएगा। टीम ए एंड टीम बी बोथ आर सेम स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर सेम है यहाँ पे, तो कोई कम ज़्यादा नहीं है, तो अपन नीचे लिखेंगे सो देयरफोर बोथ टीम हैव सेम स्क्वायर, सेम स्कोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया है? देखिए, पहले क्वेश्चन में अपन ने ऐड किया है माइनस 40 प्लस 10 प्लस 0, फिर दूसरे क्वेश्चन दूसरे टीम में अपन ने ऐड किया 10 प्लस 0 माइनस 40, यानी अपन ने नंबरों का सीक्वेंस चेंज कर दिया, कोई नंबर आगे था कोई नंबर पीछे था, बस ये हुआ है, बाकी नंबर तो सेम है। माइनस 40 इसमें भी है, माइनस 40 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 0 इसमें, ऑर्डर चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपन नीचे क्या लिख सकते हैं? हैंस वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो इससे हमको ये भी पता चल गया कि नंबरों को आगे पीछे लिख दें अपन तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका ऑर्डर चेंज करके भी अपन ने देख लिया, आंसर सेम मिला हमको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया। अपन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो जो प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी आपको पिछले पेज पे उनका यूज़ करेंगे अपन इनों में। पहली कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी क्या थी? दो नंबरों को अपन ऐड कर रहे हैं तो आगे पीछे करके भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या? अगर तीन नंबर दिए हैं, तीन नंबर में पहले कोई दो जोड़ लो, फिर उसके आंसर में तीसरा आंसर जोड़ दो। अपन कैसा भी ऑर्डर चेंज करके कर सकते हैं, पहले के दो जोड़ दो या बाद के दो जोड़ दो, फिर उसमें थर्ड जो बचता है उसको ऐड कर दें तो आंसर सेम आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? अगर अपन जीरो किसी नंबर में ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर ही हमारा आंसर होगा, चाहे नंबर में जीरो ऐड कर रहे हैं या जीरो में वो नंबर ऐड कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? वो नंबर आएगा आंसर में। तो अपन देखें यहाँ पे फोर्थ का फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है हमारे पास? माइनस का 5 प्लस का 8 इक्वल टू माइनस का 8 और प्लस, फिर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक दिया है। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर पहले नंबर पे 5 लिखा, दूसरे पे 8 लिखा है, अब इनने ऑर्डर चेंज कर दिया, बी वाले को पहले लिख दिया, तो इस कंडीशन ए वाला रूल लगाएंगे अपन, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो 8 पहले आ गया, बाद में कौन आएगा? माइनस 5, तो यहाँ पर माइनस 5 आ जाएगा आपका। इसी तरह से सेकंड वाला देखें अपन, सेकंड वाले में माइनस का 53 प्लस फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू माइनस का 53। देखिए हमारे पास 53 माइनस का है लेफ्ट साइड में, प्लस लगा के कोई नंबर लिखना है, फिर आंसर भी हमारा सेम आना चाहिए 53। तो इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि अगर अपन किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलेगा? वो नंबर ही मिलेगा। जैसे ए नंबर है मेरे पास, ए में जीरो को ऐड किया तो ए मिलेगा, यहाँ पर ए की पोजिशन पर कौन लिखा है? माइनस 53, तो यहाँ पर क्या आएगा? ज़ीरो। थर्ड क्वेश्चन, 17 प्लस फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू ज़ीरो, मैं 17 में क्या ऐड करूं कि मुझे ज़ीरो मिल जाए? तो
ये पॉजिटिव नंबर है, इतने नंबर हमारे पास अगर माइनस का होगा तो हमको ज़ीरो मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 17। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 13 ब्रैकेट स्टार्ट है पहले, प्लस माइनस का 12 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट है डॉट 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 लिंदा ब्लैंक्स है इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस का 12 प्लस माइनस का 7। देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है हमारे पास, सिंस करके जो अपन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो ए प्लस बी, देखिए पहले इन्होंने क्या किया ए प्लस बी को ऐड किया, फिर थर्ड क्वांटिटी को ऐड किया, ये थर्ड क्वांटिटी यहाँ पे आएगी। अपन ने इस तरह की कंडीशन में कौन सा फार्मूला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि यहाँ पे पहले दो को जोड़ दें या बाद के दो को जोड़ दें, इक्वल वैल्यू होती है हमारे पास, तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टू नंबर ऐड हो रहे हैं 13 प्लस माइनस 12, ये हमको पता नहीं क्या है यहाँ पर, तो अपन देखें, देखो राइट साइड में क्या हमारे पास ए की पोजीशन पे 13 है, बी की पोजीशन पे हमारे पास माइनस 12 है, सी की पोजीशन पे कौन है यहाँ पे माइनस 7 है, और लेफ्ट साइड में देखें ए की पोजीशन पे 13 है, बी की पोजीशन पर माइनस 12 है, सेम कंडीशन है, तो सी की पोजीशन पे क्या आना चाहिए यहाँ पे माइनस 7। तो फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हो गया आपका, थर्ड नंबर को ऐड कर दिया और इसमें बाद के दो को ऐड किया, इसमें फर्स्ट टू ऐड किया है, तो ये सी अलग हो गया, यहाँ पे ए अलग हो गया, तो यहाँ पर सी की वैल्यू अपन ने पुट कर दी। फिफ्थ वाला क्वेश्चन इसी के जैसा है, आप अपने आप करेंगे इसको, और आज अपन ने क्या समझा वो देखें। 1.2 में पहला वाला सम किया अपन ने, हमको इंटीजर्स के पेयर्स लिखने हैं, कुछ नेगेटिव के तो कभी पॉजिटिव के, जैसी कंडीशन दी है वैसे अपन को कर लिखना है वहाँ पर, अगर नेगेटिव बोला जाता है तो नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव बोला जाता है पॉजिटिव लिखेंगे, कुछ भी नहीं बोला जाता तो आप जैसा आपको लगे सिंप्लीफाई करने पे जो रिजल्ट चाहिए हमको वो मिल जाए तो वैसा लिख सकते हैं अपन। फिर थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या था, एक क्विज कॉम्पिटिशन हो रहा, टीम ए का स्क्वायर चेक किया अपन ने, फिर टीम बी का स्क्वायर चेक किया, तो दोनों का सेम आया, तो अपन ने इससे ये सीखा कि अगर ऑर्डर चेंज करते हैं अपन नंबरों का और एडिशन कर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये पता चल गया इसमें। बाकी फोर्थ वाले में अपन ने तीन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उनका यूज़ करा अपन ने, उन तीनों प्रॉपर्टीज से चार सवाल, पांच फिल इन द ब्लैंक्स हैं, पांचों हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें से मैंने फोर करा दिए हैं आपको, एक आपको फोर्थ का फिफ्थ वाला होमवर्क के लिए छोड़ दिया है जो आप करके लाएंगे, बाकी आगे की एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट। आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।